हेड रेसर में आपने देखा। अब देर हो चुकी है, उनके पास स्कैन है। हम उन्हें इससे दूर नहीं होने दे सकते, डिस्क वापस लेनी होगी। हाँ दोस्तों, मुझे बस इसकी जरूरत होगी। हाँ? ये क्या है? ऐसा लगता है कि दूसरे हिस्से के लिए जगह है। वहाँ जाने के लिए क्या बनाया है? मुझे नहीं पता, ये एक चश्मे जैसा है। वो कार के पीछे क्यों हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन पता लगाना होगा और तब पता लगेगा कि शैडो ग्रुप क्या कर रहा है। ये देखो, अब मैं मालूम करने वाला हूँ कि मैक्स 6 के लापता हिस्से को फिर से कैसे बनाया जाए। ओह, लगता है टेस्टिंग के लिए तैयार है। हैं? हाँ, तकरीबन। क्लास, आज हम रेस की हिदायत के एक गैर रिवायती तरीके को पढ़ेंगे। आज के एक्सरसाइज में हिस्ट्री लेसन भी होगा। हिस्ट्री? ऐसा है, ये सबसे बेकार चीज है। हर कोई जानता है कि हारने वाले ही हिस्ट्री की किताबें लिखते हैं। मेरा मानना है कि जीतने वाले तारीख की किताबें लिखते हैं। हाँ खैर, जो भी है, लूजर्स को दिलासा देने के लिए अच्छा है। बस क्लास, बहस नहीं। लेकिन हिस्ट्री बहुत बोरिंग है। संजीदगी से कोई ऐसी अच्छी चीज का नाम बताए जो तारीख में कभी हुई हो। हिस्ट्री आपको नागवार लग सकती है फैज, लेकिन इसे एक मौका दो, देखना तुम्हें ये दिलचस्प लगने लगेगी। मुझे इजिप्ट की हिस्ट्री बहुत पसंद है। मेरा मानना है इस एक्सरसाइज का मकसद मिस्र के कल्चर के बारे में सीखना है, न कि बर्बाद करना। ओह ठीक है। अपनी बाई जानिब तुम आमीन का बेमिसाल मंदिर देखोगे, जहाँ हेमन से कटे हुए थे। ओ, ये इजिप्ट की धूल। होशियारी से स्पीड, तुम्हारे सामने एक औरत का मुजस्समा है। ओह, वो कोई लेडी रानी नेफर्टिटी है, फिरौन अखनातेन की महान शाही पत्नी। लगता है तारीख का लेक्चर वाकई काम कर रहा है। वाह, मैंने कादिम तारीख के बारे में अनजाने में बहुत कुछ सीख लिया है। जबरदस्त। अब और नहीं बेबी बाय। फैज को हराना आसान नहीं, उसे उस बड़े पिरामिड के पास हराने की कोशिश करनी होगी जो आगे है। ओह परेशान ना हो, मेरे पास खुफिया प्लान है। क्या यही तुम्हारा बेस्ट है स्पीड? ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं। अरे क्या हो रहा है? स्पीड, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, हालांकि गैसलेस इंजन प्रैक्टिकली बारबेक्यू हो गया है। इसके अलावा जंप फंक्शन का क्या हाल है? हाँ मैं वो इसके बारे में सोचने दो। देखो इसका क्या हुआ है? मैं दौड़ से पहले आप लोगों को बताना भूल गया था, हिस्ट्री ने मेरा ध्यान अपनी जानिब कर लिया था। ये बकवास क्या है? वो मैं गैसलेस इंजन के लापता हिस्से को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था और लगा कि आज की दौड़ तजुर्बा करने के लिए अच्छी साबित होगी। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे कुर्बानी का बकरा समझकर इस्तेमाल किया? मैं मुआफी चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी साइंस बहुत तेजी से तरक्की करती है। तुम इसे तरक्की कह रहे हो? वो बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप ने जंप मीटर को भी नहीं निकाला, तो हम इस ट्रायल को चेक कर सकते हैं। परेशान न हो स्पीड, मुझे यकीन है हलम मार्क 6 को जल्दी चला देगा। मैं सही कह रही हूँ ना हलम? ओह हाँ क्यों नहीं, और मैं उस लापता हिस्से का पता लगाऊंगा, देख लेना। चलो चिमचिम, गैराज में चलते हैं। जेंटलमैन, आपने रेसर अकादमी के हमले में शामिल होने के बाद से जबरदस्त काम किया है। जी शुक्रिया मिस्टर बॉस अकबर सर, ठीक वैसे ही जैसे बॉस कहते हैं, फर्श साफ करते रहो, बदला लेने की साजिश रचो और देर सवेर जीत हमारी होगी। माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि सलीम यहाँ बहुत ज्यादा फर्श क्लीनर के आसपास रहा है, वो चीजें करने लगा है। मैं समझ रहा हूँ, वैसे भी मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज शाम फॉयर में एक एल्यूमिनाई रीयूनियन प्रोग्राम होगा। ओह, कैश प्रोग्राम में कुकीज होंगे? हाँ, बहुत फैंसी वाली। अरे वाह, मैं चाहता हूँ कि आप ये यकीनी बनाएं कि फायर इस शाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो, जगह साफ होनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं? अगर मैं कई अरब डॉलर की सल्तनत बना सकता हूँ तो एक घटिया कमरे को साफ रखना आसान होना चाहिए।
कैसा जा रहा है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट? खैर, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की दर के हिसाब से गैसलेस इंजन के क्वांटम लेवल्स को एनालाइज करने के बाद मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये काम करेगा। मैं बाद में चेक जरूर करूंगा। कुछ भी नहीं हुआ। खैर, इसे कम कर दिया गया था। अरे रुको, मैं इस वाले को ले जाना भूल गया। बेशक। अरे इस वक्त यही सबसे बेहतरीन है काम करने के लिए। अभी भी कहता हूं ये एक शॉट के लायक था। क्या हुआ चिमचिम? कॉफी मैटिक 3000। वाकई चिमचिम, मेरा मतलब यकीनन ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर से चलने वाली कॉफी मशीन है। बेशक, फ्लेवर कैपेसिटर। बस थोड़ी सी वायरिंग के साथ ये मार्क 6 में जंप एनर्जी का इस्तेमाल करने के काबिल बन जाना चाहिए। अच्छा ख्याल है। हो सकता है कि ये कमाल काम करे। हाँ? ये अजीब था। लगता है कार में कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ? मैंने उस वक्त जंप फीचर को भी ऑन नहीं किया था। कार बस गिर गई थी। ये क्या है? हमारी वजह से नहीं हुआ ये। आज की फोरकास्ट के मुताबिक आसमान में बहुत बड़ा भंवर आएगा। ओ नहीं। अरे नहीं, तुम नहीं, हम दोनों उसकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उसकी माँ हो। मुझे हैरत है कि मार्क 6 में हमने जो नया हिस्सा आजमाया उसकी वजह से एक बेबी डायनासोर दिखाई दिया। अरे नहीं, स्पीड फैज और ईबा रहे हैं। हमें चीज छुपाना होगी। कम से कम हमारे पास निपटने के लिए इनमें से सिर्फ एक चीज तो है। ये बकवास है। मैं ग्रेट वकार नबील लिनोलियम फर्श की सफाई से बदहाल हो गया हूँ। तुमने एक जगह छोड़ दिया। मुझे नहीं पता बॉस, मुझे लगता है ये थोड़ा मजेदार है। आप एक्सरसाइज करते रहे, दूसरों की मदद करने का एहसास। मैं इस बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने पुराने हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। मेरे जाने के बाद कुछ भी गड़बड़ मत करना। ठीक है बॉस। रुक जाओ मिस्टर डायनासोर सर। अरे यार, बॉस इस बात से बहुत खुश नहीं होंगे। सलीम, यहाँ आखिर हुआ क्या? मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया, तुमने इस जगह को कूड़े करकट में तब्दील कर दिया। ये मैं नहीं था बॉस, ये डायनासोर था। क्या कहा? सच में बॉस, एक डायनासोर स्कूल में आया और उस जगह को रौंद डाला। बस काम पर वापस जाओ। हे हलम। हाँ? मैं यहाँ तुम्हारे काम में कोई खलल नहीं डालना चाहता, लेकिन गैरेज के ऊपर एक बड़ा तूफानी बादल क्यों है? बड़ा तूफानी बादल? कौन सा बड़ा तूफानी बादल? अच्छा ये। किसे मालूम कि वो बादल कहाँ से आए। हालांकि एक बात पक्की है, उनमें से कोई बेबी डायनासोर नहीं निकला। हाँ, बेबी डायनासोर? यार, दो लड़कियाँ, लोला एक मकामी शहजादी, वर्जीनिया ढूंढ निकाला एक खूबसूरत अमीर लड़की। उम्दा काम लड़कियों, ये सीरीज है दोस्ती की, मोहब्बत की और कभी कभार हसद की। बनो पावरफुल गर्ल लोला एंड वर्जीनिया के साथ अब उर्दू जबान में सिर्फ टून स्पार्क पर। तो मैं थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी लगता है। अरे हलम, कॉफी मैटिक काम क्यों नहीं कर रहा है?
हाँ, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। बेहतर है कि पीछे हट जाएं, ये किसी भी लम्हे फट सकता है। बेवकूफ मशीन। वो क्या था? हाँ? क्या तुम बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, मैंने मार्क सिक्स में एक नए हिस्से का इस्तेमाल किया, एक फ्लैश हुआ और अब ये बेबी डायनासोर सोचता है कि चिमचिम इसकी माँ है। मार्क सिक्स के एक हिस्से में डायनासोर कैसे पैदा हो गया? यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अंदाजा लगाना पड़ा तो मैं कहूँगा कि नए हिस्से का स्पेस टाइम कंटिन्यूम पर कुछ असर पड़ता है। स्पेस टाइम? मैंने सोचा था कि नया हिस्सा सिर्फ मार्क सिक्स की क्रेजी जंप को कंट्रोल करने में हमारी मदद करने वाला है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये तो गैसलेस इंजन निकला। अगर इसे सही हिस्से के साथ जोड़ा जाए तो ये और भी बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि वक्त और जगह का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए हम कंटिन्यूम का जरूरी हिस्सा ले सकते हैं। अरे नहीं, एक मसला है। नहीं, मुझे पता है कि ये मुश्किल लग सकता है फैज, लेकिन ये आसान कंटिन्यूम थ्योरी है। नहीं, मुझे तुम्हारी इक्वेशन की परवाह नहीं है, वो डायनासोर जा रहा है। अगर किसी ने उसे देखा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। फैज और ईबा, तुम लोगों को डायनासोर के पीछे जाना चाहिए। मैं हलम को यहाँ पता लगाने में मदद करता हूँ। हम वहीं जा रहे हैं। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? पूरी तरह से नहीं, लेकिन हर बड़े साइंटिस्ट को अपने करियर में कभी न कभी इस मोड़ से गुजरना पड़ता है ना? अरे नहीं, देखो साथियों, हमें इस नई सरजमी को जीतना है, जीत का इंतजार है। अरे नहीं, ये हमें संगीन मुसीबत में डालने वाला है। हाँ, कोई मजाक नहीं कर रहा। ये थका देने वाला काम था। चालबाजी का सहारा लेने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए। लेकिन बॉस, मैं बता रहा हूँ, एक रियल लाइफ डायनासोर यहाँ था। सलीम, मैंने बहुत कहानियाँ सुन ली, तो नीचे पाइप करें और बस सफाई करें, अगर तुम डांट नहीं खाना चाहते। हमारे जासूसी सैटेलाइट रिसर्च एकेडमी में स्पेस टाइम कंटिन्यूम में गड़बड़ का पता चला है। इसका मतलब आप सभी जानते हैं, किसी ने मार्क सिक्स के टाइम ट्रेवल की कैपेबिलिटी के रास को जान लिया है। बस किसी का भी टाइम ट्रेवल की पावर को यूज करने के बारे में सोचना मुझे जोश दिला देता है। जिस ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अंदाजा नहीं है उन्हें। इससे पहले कि वो मार्क सिक्स की पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीखें और हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करें, हमें उन्हें रोकना चाहिए। रिलीज जी मोनोक्लोन। हो सकता है कि अगर मैं इसे हटा दूं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ तब्दीली हुई? हाँ, रेसर एकेडमी को अभी कुछ नए बदले हुए से स्टूडेंट्स मिले हैं। ऑर्डन के नाम पर रास्ते में जो भी आए उसे तबाह कर दो। ये कैसा पागलपन भरा स्कूल का मजाक था। काम पर वापस जाओ। तुम्हें जल्दी करना होगा, 18वीं सदी के समुद्री लुटेरे गैरेज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ जो मैं कर सकता हूँ, वाकई सब कुछ। इसने काम नहीं किया। अब क्या? जबरदस्त, जैसे ये दिन और भी बुरा हो सकता है। लगता है हम हिस्ट्री बनने वाले हैं। हम इसे यहाँ रख सकते हैं, वो मेरे बचे हुए नूडल्स खा सकता है। मुझे नहीं लगता इसे ये पसंद है। ओह, मुझे लगा तुम्हें ज्यादा पता होगा डायनासोर के बच्चे को खिलाना क्या चाहिए। फैज, शूटिंग स्टार पर पहुंचे, कारों का काफिला सीधा हलम के गैरेज में जा रहा है। ओ नहीं, और मैं इस बेबी डायनासोर के साथ इतना करीबी रिश्ता बना रहा था, अब ये तुम्हारे हवाले है। ठीक है फैज, अपने रास्ते पे ही है, मुझे उम्मीद है कि वो गुंडों की कारों को रोक सकता है। इस मौके पर उसे इसकी जरूरत भी नहीं हो सकती। साथियों, इन शैतानी घोड़ों वाली गाड़ियों पर हमला करो। किसी को कैदी मत बनाओ दोस्तों। देखो स्पीड,
प्रोफेसर विन सही थे, तारीख शानदार हो सकती है। चलो वक्त आ गया है उन हुंडों को मजा चखाने का, बताओ कहाँ से शुरू करें? तुमने देर कर दी। ओह, तो एक्स्टर कुछ गुंडों को कुचलने के लिए तैयार है। हाँ, ये काबू से बाहर जा रहा है, स्प्राइटल को क्या बताएंगे? अकबर को बताएंगे, ये हमारी सबसे कम परेशानी है, ये मिडिवेल झटके कैंपस को बराबर करने वाले हैं। हे हलम, क्या कार जंप के लिए तैयार है? रुको, क्या? अरे ये धुआं, क्या हुआ? हाँ, पिछली दौड़ के दौरान मार्क सिक्स ने अपने जंप चार्ज को पूरी तरह से जारी नहीं किया। ओह, इसने मेरी कार को सी कबाब बना दिया है। इसलिए जब आपने उस ओरिजिनल जंप के लिए जो चार्ज जमा किया था, वो रद्दी का हिस्सा उस गंदे वक्त के भंवर को फिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो बस जंप बटन दबाएं और इसे डिस्चार्ज करें। नहीं होगा जब तक चार्ज पूरी तरह से बैकअप ना हो जाए, और ऐसा करने के लिए आपको मार्क सिक्स को रेस ट्रैक पर ले जाना होगा, जो इस वक्त कुछ वाइकिंग्स और समंदरी लुटेरों की जंग की जगह है। मैं चार्ज बढ़ाकर कार जंप करा सकता हूँ, लेकिन हमारे टाइम ट्रेवलिंग दोस्तों का क्या होगा? अगर हम मार्क सिक्स को जंप कर सकते हैं तो क्वांटम टाइम ट्रेवल से पता चलता है कि हम भंवर के खुलने से पहले वक्त पर इस कांटे पर वापस आ जाएंगे। और ये सब लोग चले जाएंगे? हाँ, लेकिन एक मसला है, अगर हम इस टाइमलाइन को मिटा दें तो हमारे पास आज होने वाली तमाम परेशानियों की कोई याद नहीं रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने गुजरे लोगों को पैगाम भेजना है ताकि आज की गलती दोबारा ना करें। दोस्तों यहाँ अफरा तफरी है, वो बॉन्डर बहुत बड़ा है। परेशान मत हो ईवा, हलम और मेरे पास वाकई एक प्लान है। अरे नहीं, भंवर अहम क्वांटम मास को हिट कर रहा है। मतलब? अगर इसे जल्दी बंद नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, वक्त हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जब तक मैं कूद ना जाऊं, है ना? दरअसल हालात बहुत खराब हो गए हैं, मुझे लगता है कि इसे रोकने का तरीका सिर्फ भंवर में ड्राइव करना होगा। उस सूरत में चलो रेसिंग करते हैं। बुरा नहीं है पार्टनर, जल्दी करो दोस्त, छुप जाओ, मिस्टर वकार पागल हो जाएंगे अगर तुम्हें देख लिया। अरे बॉस, आपको जगह कैसी लगी? बुरा नहीं है, हालांकि तुमने जगह छोड़ दी। तुमने किया? मेरा मतलब मैंने किया? हाँ, और खिड़कियों पर अभी भी थोड़ी धूल चढ़ी हुई है। कुल मिलाकर मैं कहूंगा ये बहुत खराब काम है। नहीं नहीं बॉस, तुमने कैमरामैन को परेशान किया। कौन? यहाँ क्या हो रहा है? हम फिर से सफाई करने के लिए तैयार नहीं हैं बॉस। ठीक है दोस्तों, अपनी तारीख की स्किल्स को परखने का वक्त आ गया है। हलम का कहना है कि पूरा चार्ज करने के लिए मार्क सिक्स को एक राउंड लेना चाहिए। वो ओह, ये थे समुद्री डाकू। आप 95% पर हैं और फायदा उठा रहे हैं, आपको किसी भी सेकंड कूदने के काबिल होना चाहिए। हो सकता है वाइकिंग्स को इसके बारे में कुछ कहना हो तो। ये मैं आया। आप पूरी तरह से चार्ज हैं। रिलैक्स दोस्त। क्या आपके पास हमारे पास को देने के लिए डिस्क है? ठीक है, मुझे लगता है फिलहाल अलविदा कहने का वक्त है, पास में मिलते हैं प्यारे दोस्त। वाओ! स्पीड! हे, ये काम कर गया। क्या काम किया? अपने हिस्से का इस्तेमाल किया। एक भंवर था, डायनासोर, समुद्री डाकू। ओ हाँ, फ्यूचर हलम ने इसे आपके देखने के लिए बनाया है, ये सबको समझाना चाहिए। वाह, फ्यूचर का पैगाम। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब मैंने स्पीड को कामयाबी के साथ भेज दिया है। हाँ, मैंने टाइम ट्रेवल का पता लगा लिया। टाइम ट्रेवल वाकई में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है।
अब ये जाहिर है कि लापता हिस्से में टाइम ट्रेवल की सलाहियत है। हालांकि हमारे पास इसे महफूज तरीकों से इस्तेमाल करने के लिए सामान नहीं है। अरे यार, मुझे पता है कि आपके लिए मुश्किल होगा पास्ट हलम, लेकिन इसका मतलब है कि लापता हिस्से को तलाश करने के लिए और तजुर्बा नहीं करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ। और एक और बात, ये बहुत अहम है। मंगल को टैको डे है, इसलिए दोपहर के खाने के लिए जल्दी आना है। जल्दी आना है। शुक्रिया मेरे फ्यूचर, तुम बहुत समझदार हो। बहुत खूब। किसने सोचा होगा कि साइंस इतनी खतरनाक है। हमें ये सब दूसरों को बताना होगा। मार्क 6 इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो हमने सोचा नहीं था। हाँ, क्या हम अपने नए हिस्से पर सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट करने के बाद दूसरों को बताने के लिए इंतजार कर सकते हैं? हलम, क्या तुम पागल हो? तुमने वीडियो नहीं देखा? हाँ, लेकिन नहीं, लापता हिस्सा कहीं बाहर है, और अगर हम इसे नहीं ढूंढते हैं तो कोई और उस पर हाथ डाल सकता है। ठीक है, तो चलिए उस हिस्से का पीछा करते हैं।